आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं द नंबर सिस्टम। किस तरह से हम नंबर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू वेरियस कैटेगरीज, लेट अस चेक इट आउट। सबसे पहले आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो क्या होते हैं? लाइक नंबर 1, 2, 3, 4 और इस तरह के सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम 1, 2 एंड सो ऑन एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। ये कहाँ तक जाते हैं? अप टू इन्फिनिटी। इसी नंबर सिस्टम में यदि हम 0 ऐड कर देते हैं, दिस बिकम्स अ सेट ऑफ होल नंबर्स। हाउ? फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली इसे हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0, 1, 2 अप टिल इन्फिनिटी। सो दीज आर द टू सेट्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल N एंड होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल W। इफ दिस इज वन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वी कैन हैव अनदर सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इस सेट के अंदर आएंगे। तीसरा सेट हमारा है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमें बहुत सारे नंबर्स चाहिए जो नेगेटिव साइन के साथ हो। नेगेटिव साइन की जरूरत क्यों पड़ रही है? जैसे हम टेम्परेचर लेके चल रहे हैं किसी ठंडी जगह का, सपोज इट इज 15 डिग्री बिलो 0 डिग्री से 15 डिग्री कम है, तो वी कैन से दैट इट इज -10 डिग्री, -15 डिग्री सेल्सियस। तो इन नंबर्स को हम कैसे अपने इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं कर सकते। दैट इज वाई वी हैव टू एक्सटेंड और नंबर लाइन टू एकोमोडेट, सारे नेगेटिव नंबर्स को एकोमोडेट करने के लिए हम अपनी नंबर लाइन को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे। वी हैव दिस सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है। नंबर लाइन पे हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2 एंड सो ऑन। सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वी हैव 0, -1 एंड +1। तो क्या 0 एक पॉजिटिव इंटीजर है या फिर एक नेगेटिव इंटीजर है? क्योंकि इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? 1 से ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 से पहले पीछे के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। 0 इज अगेन अ नंबर ओवर हियर, इसे हम क्या बोलेंगे? क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है? इट्स नीदर अ पॉजिटिव नंबर नॉर अ नेगेटिव नंबर। 0 को हम बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। नेक्स्ट ये देखना है इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन है जेड। यहां पर कुछ इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज देयर इन सेट ऑफ होल नंबर्स। इससे हम क्या कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर। हर एक मेंबर नेचुरल नंबर का होल नंबर भी होगा, पर हम इसका कन्वर्स पार्ट नहीं मान सकते। क्योंकि यदि हम कहें कि 0 एक होल नंबर है, पर क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नो, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। देयरफॉर हर एक होल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये सिर्फ दिस वेज। इसी तरीके से आप देख सकते हैं द सेट ऑफ होल नंबर्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सारी टर्म्स हमारे इस सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हम क्या कह सकते हैं? एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। बट क्या इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू होता है या नहीं? लेट्स सी। इंटीजर का हर एक नंबर होल नंबर तभी होगा जब इसके सारे जो भी नंबर्स हैं ये इसमें हैं क्या? नो, द नेगेटिव नंबर्स
जीरो इज देयर, वन टू इन्फिनिटी इज देयर, बट माइनस वन से लेके माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस इन्फिनिटी, ये सारे नंबर्स इसमें है क्या? नो. देयरफॉर वी कैन से दैट होल नंबर कैन बी एन इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर. इंटीजर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फाइन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, What about the numbers? यदि हमारे पास ऐसे numbers हैं, 1 by 2, 3 by 4, 7 by 2, क्या ये number integer है, whole number है, natural number है? These are the fractions. इनको हम कह सकते हैं fractions. अब यदि हम एक number लेकर चलें, minus 3 by 4, तो ये number क्या होगा? क्या ये fraction है? क्या ये इंटीजर है? पहली चीज तो ये सारे इंटीजर नहीं है. दूसरी चीज, नेगेटिव होने के कारण दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, और दूसरी चीज इट इज नॉट एन इंटीजर. तो इस तरह के सभी नंबर्स जो ना तो इंटीजर है ना फ्रैक्शन है, उन्हें हम किस कैटेगरी में लेंगे? ये आएंगे इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स. वो सारे नंबर्स जो कि इस फॉर्म में हैं विद अ नेगेटिव साइन आल्सो बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ रैशनल नंबर्स. वो सारे नंबर्स जो कि पी बाय क्यू फॉर्म में हैं, जहाँ पर क्यू जो कि डिनोमिनेटर है इज अ नॉन जीरो नंबर, उन सभी नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. एग्जाम्पल 20 by 7, 3 by 4, या फिर इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन नंबर 1, 2, 3, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? आर दे एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? द आंसर इज येस, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1. तो सारे नंबर्स जो हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स आप बोल सकते हो इनको, ये इसमें आ रहे हैं. साथ के साथ यदि हम इसे माइनस में लेके चलें तो ये भी हमारे एक रैशनल नंबर्स होंगे. तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द टर्म ज़ीरो? इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्वेश्चन कैन कम लाइक कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो आप कह सकते हो यस, क्योंकि जीरो को आप कैसे लिख सकते हो? जीरो बाय वन, जीरो बाय टू, जीरो बाय थ्री, वट एवर इट इज, जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? जीरो होगा. देयरफॉर जीरो को हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, जिसका नॉन नेगेटिव डिनोमिनेटर है. देयरफॉर जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अच्छा, अब रैशनल नंबर्स को हम डिनोट कैसे करेंगे, उसका क्या अल्फाबेट? जैसे कि एन डब्ल्यू जेड है, वैसा ही रैशनल नंबर्स का हमारा क्या नोटेशन होगा? रैशनल आता है टर्म रेशियो. एंड व्हाट इज रेशियो? सपोज हम लिख सकते हैं 3:4. 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4. 3/4 क्या हो गया? फ्रॉम दिस टर्म कोशेंट वी विल टेक दिस अल्फाबेट क्यू, और रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द अल्फाबेट क्यू. क्यू, ये हमने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या क्या आता है? आपके नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं नहीं? जैसे हम लिख सकते हैं माइनस थ्री, माइनस टू, क्या ये रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स दे आर, दे कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. जीरो आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, और क्या आता है? फ्रैक्शंस आते हैं. ये सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं. इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, every whole number is a rational number, and every natural number is also a rational number. But
जस्ट लाइक वी हैव सीन अबव, इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा. हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो भी है, बट उसमें क्या मिसिंग होगा? फ्रैक्शन के टर्म्स नहीं है. सिमिलरली होल नंबर नहीं होगा ये. एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी होल नंबर. पूरे होल नंबर्स तो इसमें आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स इसमें नहीं आते, इसलिए ये होल नंबर नहीं हो सकते हैं. तीसरी चीज़, एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर. जनरलाइजेशन हम क्या ले सकते हैं? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट द कन्वर्स पार्ट इज नॉट ट्रू. ऑलराइट, सो लेट्स समराइज इट. नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स, 0 टू इन्फिनिटी होल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीजर्स, एंड ऑल द नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स. अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? नेचुरल नंबर्स के लिए आप ये याद रखिए, यू कैन राइट इट लाइक दिस. नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू हो रहे हैं, होल नंबर्स जो 0 से शुरू हो रहे हैं, इंटीजर्स को याद करने के लिए आप ये लिख सकते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए है. और रैशनल के लिए आपको रेशियो याद रखना है, और रेशियो से कोशेंट एंड क्यू, ये चार तरीकों से आप याद कर सकते हैं. दिस इज 1, दिस इज 0, जेड एंड क्यू, एन डब्ल्यू जेड क्यू. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, from minus infinity to plus infinity, and this is p by q form. ये याद करने के लिए है.